कैसे हो दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक न्यू जॉब अपडेट में, जो कि अनाउंस की गई है सैप की तरफ से। आप लोगों के लिए साइबर डिफेंस एसोसिएट के ऊपर जॉब अपडेट निकाली गई है सैप की तरफ से। यहां पे फ्रेशर्स और अप टू 3 इयर्स तक का जो भी स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस रखते हैं आप लोग एलिजिबल रहने वाले हो, यानी फ्रेशर स्टूडेंट्स, एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। सो यहाँ पे दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपका यहाँ पे जॉब का लोकेशन बताया गया है, बेंगलोर कर्नाटका इंडिया का आपका जॉब लोकेशन है। आपको यहाँ पे बेंगलोर में जाके इस जॉब को करना रहता है। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों बताया गया है आपका यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा, जो भी आपका क्वालिफिकेशन वगैरह है, सारे डिटेल्स को यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है। सो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो बताया गया है कि आपको यहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स देना रहेगा ग्लोबल साइबर इंसिडेंट्स को। आपको यहाँ पे टीम्स वगैरह को रिस्पॉन्स देना रहता है, टाइमली बेसिस पे आपको यहाँ पे रेलिवेंट अपडेट्स देने रहेंगे स्टाफ लीडरशिप एंड इंटरनल स्टेक होल्डर्स को। आपको यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंसिडेंट रिस्पॉन्स वगैरह करने रहेंगे। आपको यहाँ पे दोस्तों डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स वगैरह को भी देखना रहेगा, एनालिसिस करना रहेगा, इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल करना रहता है। दोस्तों यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेगा मॉनिटरिंग एंड ऑल का, आपको यहाँ पे मॉनिटरिंग एंड ऑल भी करने रहेंगे। आपको यहाँ पे डिटेक्शन अलर्ट्स एंड ऑल को भी क्रिएट करने रहेंगे। आपको यहाँ पे डेवलप करना रहेगा ऑटोमेटेड वर्क प्लस एंड ऑल को, जो कि रिडक्शन करे डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स टाइम्स को भी। आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स के ऊपर वर्क करना रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आपको यहाँ पे करंट प्रोसेस वर्क फ्लोस के ऊपर भी इंप्रूवमेंट पे फोकस करना रहता है। यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डिटेक्शन मशीन एंड ऑल को डेवलप करना रहेगा, इंप्रूव करना रहेगा। आपको यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना होगा कि जो भी इंसिडेंट्स वगैरह होता है, जो भी ऑकर होते हैं, आपको यहाँ पे रिपीटेटिव इंसिडेंट्स वगैरह को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर वर्क करना रहता है, डिटेक्शन सिस्टम्स के ऊपर वर्क करना रहेगा। सो यहाँ पे दोस्तों मेजरली आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ये रहेगा कि आपको यहाँ पे इंसिडेंट्स वगैरह को कैसे हैंडल करना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे इनके टीम के साथ वर्क करके आपको यहाँ पे डेली बेसिस के जो भी साइबर इंसिडेंट्स होते हैं उसके ऊपर वर्क करना रहेगा। क्लियर है दोस्तों ये डिटेल्स। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंजीनियरिंग और रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस रखते हो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। सो यहाँ पे बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निकल एरियाज के ऊपर वर्क करना रहेगा, लाइक नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, TCP, IP, TLS, HTTP, DNS, SMB एक्सेट्रा, फाइल सिस्टम्स के ऊपर आपको स्किल्स लेके जाना रहेगा। यहाँ पे दोस्तों एक्सपेक्ट NTFS यहाँ पे आपका स्किल्स वगैरह रहना चाहिए। मेमोरी फॉरेंसिक्स के ऊपर भी स्किल्स मांगे गए हैं, डाटाबेस एंड वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के ऊपर स्किल्स मांगा गया है, क्लाउड सिक्योरिटी के ऊपर स्किल्स मांगे गए हैं। उसके यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट एक्सपीरियंस विद वन और मोर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस लाइक PowerShell, Python, Bash एक्सेट्रा के ऊपर स्किल्स वगैरह रहना चाहिए। गुड थिंकिंग स्किल्स, गुड क्लोज अटेंशन टू डिटेल स्किल्स, ओरिएंटेशन स्किल्स आपके पास रहना चाहिए। ये सारे कुछ स्किल्स वगैरह रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपका पैशन एंड विलिंगनेस रहना चाहिए टू ऑपरेट। यहाँ पे आपको डायनेमिक एनवायरमेंट में वर्क भी करना रहेगा। ये सर आपके कुछ डेली बेसिस की स्किल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है ये वाले जॉब के अपडेट में। सो यहाँ पे दोस्तों इस जॉब में फ्रेश स्टूडेंट्स इजिली अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग जाके जल्दी से अप्लाई कर लेना। यहाँ पे रेगुलर बेसिस की आपकी ये जॉब रहेगी, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। आपकी यहाँ पे एक्सपेक्टेड एवरेज एनुअल सैलरी 6.5 लाख की रहने वाली है। बिलो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दिया है, आप लोग जाके चेकआउट करके अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये जॉब अपडेट अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट को लेकर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।